This is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension. 7 physical changes of twin flames. Is life mein true love hona ya true love pana dono hi difficult hota hai. In that way, twin flame love is a purest form of love. न उम्र की सीमा हो न जन्मों का बंधन, ये गाना इस जर्नी में फिट बैठती है. अगर आप भी ऐसे लकी पर्सन में से हैं जो अपने सोल का काउंटर पार्ट किसी और बॉडी में ढूंढ लिए हो, तो कुछ फिजिकल चेंजेस आप में देखने को मिलेगा. और अगर आपने रिसेंटली इस जर्नी में एंटर किया है या मिड वे तक आ पाए हैं, you may be surprised how powerful your connection may be. तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए जानते हैं क्या क्या changes से होकर go through करना पड़ता है twin flames को. twin से पहली बार इस earth plane पर मिलना ही एक बहुत बड़ा confusion situation लगेगा. आप अपने आप से जैसे मिल रहे हो, बहुत कुछ सिमिलैरिटी होगी हैबिट्स में, हॉबीज में या टेस्ट रिलेटेड भी. इन सभी को कंसीडर करते हुए आपको कुछ सरप्राइजिंग सा भी लगेगा कि ये बिल्कुल आप ही की कॉपी किसी दूसरे बॉडी में लगेगी. तो चलिए चेंजेस क्या है वो फर्स्ट चेंज में आती हूँ. फर्स्ट चेंज जो देखा जाता है, हार्ट बीट का बढ़ जाना. यहाँ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि दोनों ट्विन में से किसी को कुछ सिम्टम्स तो किसी को कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिजिकल चेंजेस से दोनों ट्विन ही गुजरते हैं. दोनों ट्विन मीन्स डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलिन. आप जब भी अपने ट्विन को देखेंगे, उनसे बात करेंगे, आपकी धड़कन बढ़ने लगेगी. आप अपने ट्विन से वो हर एक बात शेयर करने लग जाएंगे जो शायद आज तक आपने किसी से ना कर पाए हो. और शेयर कर देने के बाद आपको सुकून कम, अजीब ज्यादा लगेगा एंड कैन फील वेरी स्केरी ऑल्सो. अच्छा, हर बार बात करते वक्त आप नोटिस कीजिएगा, यू आर नॉट एबल टू स्टे काम. और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, बिकॉज इज वन अ होल न्यू लेवल एंड विल टेक यू टू द वर्ल्ड ऑफ प्लेजर यू हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड बिफोर. इसका रीजन है कि आपको अपने ट्विन से बातें करने में एक्साइटमेंट तो रहता है, पर एक अननोन फियर भी साइड बाय साइड मन में रहने लगेगा. As you are connected with your twin with heart chakra, तो जैसे ही twin एक दूसरे से earth plane पर first time मिलते हैं, तो heart chakra open होना शुरू हो जाता है. तभी आपको heart chakra meditation पर ज़्यादा focus करने के लिए कहा जाता है. heart chakra के imbalance होने से ही आपको heartbeat का fast चलना feel होने लगता है. सेकेंड फिजिकल चेंजेस जो आप फील करेंगे ट्विन फ्लेम जर्नी में, बोथ ट्विन फील कर सकते हैं इसको या फिर कोई एक, वो है थोड़े थोड़े टाइम के लिए लाइट हेडनेस का फील होना. और ऐसा दिन में कई बार थोड़े टाइम के लिए फील होगा, जैसे लगेगा चक्कर आ रहा है और आप गिरने वाले हैं. इसे डिजीनेस भी कह सकते हैं आप. ट्विन फ्लेम रिलेशन एनर्जी बेस्ड होती है. इतनी पावरफुल मैग्नेटिक पुल होते रहने से आपको लाइट हेडनेस सा फील होने लगता है. रीजन ये है कि ऐसा आपने अपने लाइफ टाइम में पहले कभी भी एक्सपीरियंस नहीं किया हुआ होता है. पहली बार ट्विन से मिलकर आपके कॉन्शियस माइंड में जॉय तो ज़रूर फील होगी, बट एट द सेम टाइम इट कैन कॉल इन टू कॉन्शियसनेस द पेन ऑफ बींग अ पार्ट.
दोनों अलग अलग इमोशंस का एक साथ फील होना, जॉय एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ अलग हो जाने की भी एक डर होने से आपके माइंड में इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ने लगता है, पर आपको इससे घबराना नहीं है। ये सिचुएशन आने का एक और रीज़न है, ये लाइटहेडनेस का सिचुएशन आने का एक और रीज़न है। जितने भी आपके अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं, जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिनको अब तक आप मैनेज नहीं कर पाए, उन्हें जब तक आप मैनेज नहीं कर लेते या अपने एनर्जी सिस्टम से क्लीन नहीं कर लेते, आप इस सिचुएशन से कंप्लीटली नहीं निकल पाते हैं। आपको इन सब पर वर्क करना होगा, बिकॉज आफ्टर दैट कम्स अ पीरियड ऑफ कामनेस एंड हैप्पीनेस। थर्ड टाइप की फिजिकल चेंजेस जो ट्विन फ्लेम्स फील करते हैं, ये है देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल टेंशन। ट्विन फ्लेम्स की एक खास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वे आपस में टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते रहते हैं। दोनों ट्विन को सेक्सुअल टेंशन या अर्ज फील होना कम्प्लीटली नॉर्मल फिनोमेना है, और ये इतना एनॉर्मस होता है कि दोनों ट्विन अगर साथ न भी हो तो भी ये एनर्जी रिलीज होती रहती है। दिस कैन बी वेरी अनयूजुअल इन स्टार्टिंग फेज ऑफ देयर जर्नी। ट्विन्स आर कनेक्टेड टू देयर चक्रा, सो दिस इज क्वाइट नेचुरल टू फील सो। सैक्रेड चक्रा बैलेंसिंग करके सेकंड चक्रा बैलेंसिंग करके ये जो सेक्सुअल फीलिंग्स को या अर्ज, सेक्सुअल अर्ज को कंट्रोल किया जा सकता है। यू नीड टू बैलेंस योर सेकंड चक्रा, दैट इज सैक्रल चक्रा। फोर्थ फिजिकल चेंजेस पे थोड़ा नोटिस करते हैं इसको, क्या होता है। फोर्थ फिजिकल चेंज जो देखने को मिलता है वो है कि आपको आपकी बॉडी टेम्परेचर अचानक से फ्लक्चुएट होगी। अचानक कभी आपको गर्मी फील होगी तो ऑल ऑफ अ सडन कोल्डनेस भी फील कर सकते हैं। ट्विन्स का एनर्जेटिकली कनेक्टेड होने से जब एक दूसरे ट्विन अपने ट्विन काउंटर पार्ट को इंटेंस एनर्जी सेंड करते हैं, जिससे आपको स्वेटिंग या ब्लशिंग टाइप सिचुएशन फील हो सकती है। ऑफ कोर्स इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू रूल आउट ऑल द अदर पॉसिबल फिजिकल कॉजेस, पर अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई आपको दूसरे फिजिकल सिम्टम्स ना हो, तो ट्विन का आपके फीलिंग्स के ऊपर इम्पैक्ट होने की वजह से ये वार्मनेस फील होती है। आपके कभी कान गर्म हो जाएंगे, तो कभी चीक्स, तो कभी आपकी हाफ बॉडी, ज़्यादातर राइट साइड गर्म हो जाएगा, ये इस तरह के, या हार्ट बर्न सिचुएशन आपको देखने को या फेस करने को मिल सकता है। जब ट्विन बहुत ज़्यादा अपने काउंटर पार्ट को मिस कर रहे होते हैं तो ये सिचुएशन बनती है, और जब कभी आपके ट्विन आपके बारे में वो बातें सोच रहे होते हैं जो आपने उनको सेपरेशन के वक्त कहीं, तो भी आपको ऐसी वार्मनेस अपनी बॉडी में फील हो सकती है। इसको आप नॉर्मल सिचुएशन की तरह एक्सेप्ट करें। शुरू में ये ज़्यादा होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फेज, जो न्यू हमारे ट्विन फ्लेम जर्नी में एंटर किए हैं, या जो थोड़ा मिडवे तक ही आ पाए हैं और जिन्होंने अपना एनर्जी अभी तक बैलेंस नहीं कर लिया। आफ्टर द इमोशन स्टार्ट सेटलिंग डाउन, यू विल नोटिस दैट यू वोंट फील फ्लक्चुएशंस लाइक दिस ऑफन। जैसे आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे, ये सारी सिचुएशंस बिल्कुल खत्म या बहुत कम, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होने लगेंगी। फिफ्थ फिजिकल चेंजिंग में डीप सैडनेस और पेन आपको फील होगा। अपने ट्विन फ्लेम को अर्थ पर देख लेने के बाद या उनसे मिल लेने के बाद, उनकी भी जितनी पेन्स और सैडनेस हैं आप रिसीव करते रहते हैं। बिल्कुल ठीक था आपका मूड, बस अचानक ही आप डाउन हो गए। आपको नहीं पता लग पाएगा कि आखिर हुआ क्या आपको। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कॉजेज लॉट्स ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स व्हिच मे रिजल्ट इन डीप सैडनेस। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस कनेक्शन का, जिससे आप बच नहीं सकते।
इसके लिए आपको और अलग प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, इफ़ यू नोटिस दैट योर ट्विन फ्लेम इज स्ट्रगलिंग, यू कैन हेल्प, पर उतना ही हेल्प कीजिए जितने में आप अपनी एनर्जी को लो ना कर पाए। अवॉइड बीइंग पुल्ड इनटू टॉक्सिक पैटर्न। और अगर आप नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं तो जितना उनकी तरफ माइंड नहीं देंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा। जैसे ही अगर आपके ट्विन आपके थॉट्स को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करें, डिसमिस दिस इमीडिएटली, उसके जगह कुछ और थॉट अपने माइंड में लाएं। क्योंकि जब भी आपके ट्विन लो वाइब्स में होते हैं, वो आपको कनेक्ट कर आपसे हाई वाइब्स एनर्जी ले जाते हैं, जिससे आप लो और पेनफुल सिचुएशन में आ जाते हैं। ओके, नाउ कम टू द सिक्स्थ फिजिकल सिम्टम्स। क्या होता है वो आपको, आप देखिएगा आपके स्टमक में बहुत पेन रहेगा या फिर आपके पीरियड्स भी इम्बैलेंस डिसबैलेंस हो सकते हैं। इसका रीज़न होता है कि जितने भी आपके इमोशंस हैं वो माइंड से पास होकर स्टमक तक आते हैं। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी आप नर्वस होते हैं या फियरफुल होते हैं, पैनिक अटैक आपको अगर आया, तब आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट सबसे पहले आपको, आप सिम्टम्स देखेंगे कि आपका स्टमक डिस्कम्फर्ट हुआ। अगर आपको ज़्यादा ही इमोशनल हैं तो आपको स्टमक डिस्कम्फर्ट ज़्यादा फील होगा। यहाँ आपको थर्ड चक्रा, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस करना होता है मेडिटेशन करके। डीप ब्रीदिंग भी हेल्पफुल होती है इस पे। डीप ब्रीदिंग कीजिए, सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस कीजिए मेडिटेशन करके, तो आपका ये स्टमक जो इम्बैलेंस होता है या पीरियड रिलेटेड भी कुछ अगर दिक्कत चल रही है वो भी, वो आपकी इशू सॉल्व हो जाएगी। सेवेंथ फिजिकल चेंज, वो क्या है, आप ज़्यादातर टाइम एग्जॉस्ट फील करेंगे। अपने ट्विन से मिल पाना सबका ड्रीम होता है, और हो भी क्यों ना, कोई अपने आप से बिछड़ कर रह सकता है क्या? बट यू शुड नो दैट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड यू कैन फील कंप्लीटली ड्रेन्ड। आप ये सोचकर अपने को और ज़्यादा एग्जॉस्ट कर लेते हैं कि काश आप भी जॉयफुल हो पाते। पता नहीं ये आपके साथ क्यों हो रहा है ऐसा, अगर आप सोचते हैं, पर यकीन मानिए ऐसा सोचकर आप अपनी तकलीफ को और बढ़ा रहे होते हैं। यू आर जस्ट एडिंग फ्यूल टू फायर एंड ड्रेन मोर एनर्जी। आपको मेरा एडवाइस रहेगा कि ये, कि इस तरह की फीलिंग्स को आप फील कीजिए, जैसे ही आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं, टायर्ड हो रहे हैं, या आपका मन मूड ऑफ हो रहा है, इसको फील कीजिए। इस तरह की फीलिंग्स को फील कीजिए, रेस्ट लीजिए ऐसे सिचुएशन में, और तभी आप हील भी हो पाएंगे। ऑलवेज रिमेंबर, रेस्पेक्ट योर बॉडी एंड टेक प्रॉपर स्लीप। अपने अंदर चल रहे कंफ्लिक्ट से आपको फाइट नहीं करना है, बल्कि उसे एम्ब्रेस कीजिए। हो रहे हैं आप एग्जॉस्ट, ओके, उससे आप लड़िए नहीं, कंफ्लिक्ट से अपने उसको फाइट मत कीजिए, उसको हटाने के लिए नहीं, आपको उसे एम्ब्रेस करना है। एम्ब्रेस करके उसको ऑनर करना है, ठीक है मैं एग्जॉस्ट फील कर रही हूँ, मैं पेनफुल फील कर रही हूँ, मैं टायर्ड फील कर रही हूँ, ओके, उसको ऑनर कीजिए। यू विल सी योर प्रॉब्लम विल गेट स्मॉलर। जैसे ही आप अपने प्रॉब्लम को ऑनर करने लगते हैं, वो चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी सिचुएशन हो, जैसे ही आप उसे ऑनर करने लगते हैं, जैसे ही आप उसको एम्ब्रेस करने लगते हैं, जैसे ही आप उसको गले लगा लेते हैं, आप देखिएगा इमीडिएट यू विल सी योर प्रॉब्लम विल गेट स्मॉलर। वो प्रॉब्लम उतना लार्ज, उतना बिग ना रह के वो स्मॉलर हो जाता है। बस वही, यही ये ट्रिकी वे है इस प्रॉब्लम से, इस एग्जॉस्ट फीलिंग से या पेनफुल वाली, सफरिंग वाली फीलिंग से निकलने का, कि उसको आप बहुत एम्ब्रेस कीजिए, ठीक है, ओके आई एम फीलिंग सो, ओके, इसको आप ऑनर करें। देखिएगा आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी हो जाएगी ऐसी प्रैक्टिस के साथ। अब ये सब होता क्यों है, ये सारे फिजिकल सिम्टम्स या चेंजेस होता क्यों है, ये भी तो एक बात है, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये इसलिए होता है ताकि आप एक बिगर चेंज के लिए रेडी हो सकें।
बट बिफोर इट गेट्स बेटर इट गेट्स मच वर्स। कोई बिल्डिंग भी बनने से पहले मिस का सामना करना पड़ता है। कहीं सैंड पड़ा मिलेगा तो कहीं ब्रिक्स की पाइल्स तो कहीं सीमेंट एंड सो ऑन। पर एक दिन जब वही बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो फिर कितना अच्छा लगता है वहाँ रहना, है ना। तो कुछ भी बनने से पहले मेसी सिचुएशन होना नेचुरल है। ट्विन फ्लेम्स कनेक्शन भी ऐसा ही है। इट मे टेक सम टाइम बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट एंजॉइंग योर रिलेशनशिप। अपने आप को टाइम दीजिए, फ्रेंड के साथ बाहर घूमिए, और तब तक जब तक आपका सिचुएशन यू नो सॉल्व नहीं हो जाता, सेपरेशन फेज खत्म नहीं हो जाता, अपने आप को टाइम दीजिए, फ्रेंड के साथ बाहर घूमिए, पार्क में जाइए, रीड अ गुड बुक। मूड स्विंग से बचने के लिए ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करिए जो खुद भी सीधे साधे हों। कोई नहीं तो बच्चों के साथ टाइम पास कीजिए। बच्चों से सीधा साधा इनोसेंट आपके आपको इस दुनिया में ज़्यादा कोई मिलेगा नहीं। याद रखिए, समय वो होता है जो कभी भी एक सा नहीं रहता। जब खुशी हमेशा ठहर नहीं पाती तो गम कैसे ठहर पाएगा। इसलिए फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन गॉड, एंड ट्राई टू मेक योर सेल्फ हैप्पी एंड पीसफुल। आज का मेरा वीडियो 7 फिजिकल चेंजेस ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या क्या हो सकता है इससे था। इसके अलावा आपको अपने हेयर फॉल का सिचुएशन भी आप देखेंगे। हेयर फॉल, काफ़ी हेयर फॉल, हेयर लूज होगा आपका हेयर, और इसके अलावा आपको फील होगा कि कभी आपके टूथ में प्रॉब्लम, दांत में दर्द, ये सब होता है। बट ये कोई इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ये सारे सिम्टम्स धीरे 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 रेक्टिफाई भी हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही मेरा वीडियो। अब यहाँ पे मैं आपसे, आप सभी से इजाजत चाहूंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।